जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं रचित दुबे, आप देख रहे हैं RBS न्यूज सच की आवाज। हम हाजिर हैं दिनभर की खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती माया सिंह ने किया इको ग्रीन एनर्जी कार्यक्रम का उद्घाटन। 4 माह पूर्व सागर ताल में मिली थी एक शख्स की लाश, अब परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। SP ऑफिस में फिर हाया ठगी का मामला। और विकलांग दिवस पर शहर के विकलांगों ने रखी अपनी समस्याएं। ग्वालियर शहर को स्वच्छ रखने के लिए इको ग्रीन कंपनी ने संभाली सफाई व्यवस्था। मेले ग्राउंड में हुए एक कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने इसका शुभारंभ किया। अब शहर के हर घर से कचरा उठेगा। निगम और इको ग्रीन कंपनी की गाड़ियां दिन में 3 बार लोगों के घरों से कचरा उठाएंगी। इसकी शुरुआत शहर के 4 वार्ड 21, 20, 22 और 23 से की गई है। शहर के लोग मोबाइल ऐप की मदद से कचरा उठवा सकेंगे। कचरा नहीं उठा तो ऐप पर शिकायत भी कर सकेंगे। डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए शहर में 100 वाहन आ चुके हैं। जल्द ही शहर से डस्टबिन की विदाई हो जाएगी। इस योजना पर काम शुरू हो गया है, ऐसा प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती माया सिंह ने इको ग्रीन एनर्जी कार्यक्रम के तहत मेला ग्राउंड में बने शहर के पहले कचरा प्रबंधन केंद्र का लोकार्पण करते हुए कही। कलेरो भैया थोड़ा सा पीछे बा अभी हम यहाँ पर खड़े हैं मेला ग्राउंड में। ये मेला ग्राउंड का ट्रांसफर स्टेशन है। स्टेशन की लैंड नियुक्त हुई है, उनके ऊपर जो ट्रांसफर स्टेशन बनाने का प्लान है मैम, तो हमारा पूरा जो इसका नक्शा है वो खुल जाता है। यहाँ पर हमारा ये ट्रांसफर स्टेशन बना है, यहाँ पर ही हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हर एक गाड़ी में GPS एक रूट है, उस वार्ड के अंदर कितने घरों में वो गाड़ी जाएगी। अगर हम इसको आगे क्लिक करते हैं और हजारों जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय संस्थान के बहुत सारे संगठन, मिलिट्री है, ये सब लोग अभी तक अपने कचरे का प्रबंधन करने के लिए अपना अपना सिस्टम अपनाए हुए थे। अब इन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हमारे यहाँ हो।
Yes. चार महापुर सागर ताल में मिली बाबू नाम के व्यक्ति की लाश को लेकर अब परिवार के लोग 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बवड़ापुर थाने के सागर ताल में पुलिस को चार महापुर एक शख्स की लाश मिली थी। मृतक के परिवार के लोगों का आरोप है कि मृतक जिसका नाम बाबू था की 6 लोगों ने मिलकर हत्या की थी, पर पुलिस सही जाँच नहीं कर रही है। इस मामले में थाने के SI RK ओझा ने पुलिस का पक्ष रखा। तो पुलिस की गलती है, 50 रुपए तो बैन ले लीजिए। 17 तारीख की गवाही थी लड़की की, 17 तारीख की कोर्ट की, 17 लड़की ने सही ने चली थी 15 तारीख को मेरे से, लड़की बयानों पे नहीं आई। तो आपको छोड़ना नहीं था ना? नहीं देखो भाई, न तो मैं छोड़ने वाला, न मैं पकड़ने वाला, न मैं जांच करने वाला। बताते यहाँ बैठा हूँ तो जो जानकारी मुझे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बात करने में आप हमारे कार्यालय मुझसे कही है सचिन जवान ने मुझसे कुछ भी नहीं कही थी मेरे लड़का उनके पैसे दो गए जितना उन्होंने दिया हमें सचिन ने। सचिन जवान ने जब मेरी इतनी लाल लड़की लड़ाई नहीं, मेरे बैठाई मरे इतनी पैसा भी दूंगे तो ये लोग डबल अनपढ़ ये भी होता है किसी को पैसा मरे कोई पैसा खाए लड़की का मैं बाद में सुन ली, लड़की गवाही पे नहीं आई। बाबू ने तारीख करी कोर्ट की, मुझे गवाही पे लड़की नहीं लाया। 18,000 को बाबू कम तो गया, फिर इन लोगों ने मिल गए, 2 बार मिले मैं उनके ऑफिस में जाके नहीं तो तुम आके देख लो कितने आदमी खड़े हैं यहाँ पर, कितनी लेडीज से खड़ी हैं और बच्चे भी खड़े हैं। हमारे बच्चों को कौन खिलाने वाला है यहाँ पर? क्या हमारे बच्चे कमाने वाला है तो हमें कौन खिलाएगा यहाँ पर? इतना घी हमें नहीं मिलता कि हम हर आदमी का आज से करीब 3-4 माह पहले सागर ताल में एक डेड बॉडी मिली थी, उस पर से पुलिस ने मर्ग कायम कर दिया है। मर्ग अभी जांच में है, जांच के दौरान फरियादी पक्ष द्वारा जिन लोगों के संदेह किया था उन लोगों को बुला के भी पूछताछ की गई है। अभी घटना के संबंध में कोई स्पष्ट क्लू नहीं मिले हैं, अगर कोई ऐसे तथ्य मिलते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 17 तारीख की गवाही थी लड़की की, लड़की शादी करना चाहती थी मेरे लड़के से बहुत, तो लड़की अकेली बच गई, 2 बच्चों के बाद से शादी हो रही थी उसकी। आगरे में किलेगढ़ थाने में हाईकोर्ट में उसके एक ही बयान रहे कि मेरे पास 2 बच्चों के बाद से शादी करा रहा है, 40 साल का बुढ़ा है मेरे लड़के के साथ में, इन्होंने जेल पहुँचाया मेरे लड़के को बेकसूर किलेगढ़ ने, उसको धारे लगाई जेल से छुड़ाया मैंने 2 महीने बाद, इसने लड़की की शादी कर दी, लड़की की शादी करी, गवाही की तारीख लगी 17 तारीख, तो शहीद बोला कि 15 तारीख को लड़की गवाही पे नहीं आई, वो अपने बाप से कह रही है मैं सुसरा लौट के नहीं जाऊंगी, मैं जाए बाबू से ही शादी करूंगी, तो उसका बाप गवाही पे नहीं लाया, बाबू गवाही पे तारीख पे पहुंच चुका था, उसकी तारीख बढ़ा दी 4 तारीख, 18 तारीख को बाबू काम पे गए ईदगाह पे, वहाँ शहीद पहुँचा, ये कमलू अम्बू वीरेंद्र मुकेश शहीद भूरा इन लोगों ने उसकी मारपीट की, सही थाने पर गया उसकी रिपोर्ट डालने, जो गायब कर दिया इन्होंने। हम 2 दिन लड़के को ढूंढते रहे, थाने पहुंचे जो बोला कि तुमने अपना लड़का भगा दिया। लड़का कहाँ मिला था? लड़का हमें 20 तारीख को शहीद ने हमें बताया कि लड़का तुम्हारा मिल गया, मैंने अभी नहीं मिला ढूंढने,
तो ऐसा तो नहीं सागर ताल में हुए। जो हम सागर ताल पहुँचे तो वहाँ पुलिस आ चुकी थी और हमने लाल मोरवा की तरती तैरती हुई देखी बॉडी उसकी। तो चाचा थे आई थे लाश के साथ में, कैसा लगता किसने मारा होगा? इन लोगों ने हल्के हल्का कर दिया मेफरी कमलू ने, मुकेश ने, वीरेंद्र ने, भूरा सहीद असीन सहीद तो थाने पहुंच गया था। इन्होंने पकड़ लिया था, पकड़ लिया था, छोड़े नहीं है उसको, लाश मिली है उसकी, आरोपी ने पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया था, छह दिन रखा, अभी कल छोड़ा है, कल छोड़ा है। हम इनको मुजरिम को सजा करवाने चाहते हैं। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह को एक व्यक्ति ने आवेदन देकर अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की है। रवि कुमार वाल्मीकि निवासी टेकनपुर ने अपनी बहन और पत्नी के साथ मिलकर एसपी ऑफिस ग्वालियर पहुंचकर शिकायत की है कि देवेंद्र सेंगर जितेंद्र जोरसिया निवासी घाटी गांव ने उन लोगों से 3-3 लाख रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर ले लिए थे और फर्जी लेटर भी दिया था। अब मेरे द्वारा अन्य लोगों ने भी जो पैसे देवेंद्र को दिए थे वे मुझसे मांग रहे हैं, जबकि मैं स्वयं देवेंद्र के फर्जीवाड़े का शिकार हुआ हूं। अतः देवेंद्र पर 400BC का केस दर्ज किया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। रवि और उनकी बहन व पत्नी की शिकायत पर एडिशनल SP अश्विनी त्रिपाठी ने कहा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। अरे तक क्या हुआ है? दिक्कत ये हुई है कि देवेंद्र सेंगर मेरा ताऊ का भाई, ताऊ का लड़का है, मेरा भाई है। दिक्कत ये है कि उसने नगर निगम की नौकरी लगवाने की बोल रहा था। मेरे पति प्राइवेट काम करते थे तो बोले ऐसे छोड़ दो आप, मैं सरकारी जॉब को लगवा देता हूँ और 3-3 लाख रुपये दे दो। उसके भाई का लोन था, फाइनेंस में ही लोन करवा रहे थे तो बोले उसकी किस्त भरते रहना, आप एक साल भरते भरते हो गई, 1 लाख रुपए नगद दे दो आप और मैं आपकी नौकरी करवा दूंगा पक्की और घर बैठे आपको तनख्वाह दिलवाता रहूँगा, आप नहीं आना दूँगी। तो हमने कहा ठीक है। अब उसने किससे पैसे लिए उसी में लिए और हमारे पति पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप अभी किससे मिलने आए थे? अभी मिले आप किसी से? SP साहब से मिलने आए। क्या आश्वासन दिया हमने? उनने बोल दिया है कि ठीक है हम काम करवा देंगे, कार्रवाई करेंगे। आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम टेकनपुर में रहते हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं है आका किसका किसको नौकरी लगवाने किसको नहीं, हम तो टेकनपुर के रहने वाले हैं। बोलता मैं BJP का नेता हूँ मैं और मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। पैसे मांगने गए तो बोले भी कर ले तू क्या करेगा और गुंडे भी बुलाए तो बोला कर ले क्या करेगा तू, मैं तो BJP का नेता हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका, मेरे पति को मारने की धमकी दे रहे हैं। ताऊ का लड़का है और मैं अपने पिताजी के इकलौती लड़की हूँ, मेरी पिताजी खत्म हो चुके हैं। अब वो इस मामले में नहीं फंसा पाया, वो सोच रहा है जमीन जायदाद के पीछे, इसलिए वो फंसा रहा है, किसी भी तरह से वो फंसना चाहिए, मेरी जमीन जायदाद को हड़पना चाह रहा है, इसलिए मेरे पति को मारना भरवाना चाह रहा है। ससुर को ठगा लोन के सिलसिले में, 1 लाख रुपए खा गए वो लोन के सिलसिले में। फिर हम दोनों को नौकरी का झांसा दिया उसने, 2 लाख रुपए इनसे, 3 लाख रुपए मेरे से, ऐसे उनने फंसाया मेरे पति को। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? मेरे पति ने कर्जा लिया था किला गेट घास मंडी, मेरे पति ने कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद में आप पैसे दिए, 3 लाख रुपए मांग की थी मेरे से तो मैंने 2 लाख रुपए कर पाए थे, क्योंकि मजदूर आदमी हम लोग तो हमने सोचा चलो अच्छा दो पैसे का धंधा लग जाएगा हमारा, तो इसलिए हमने आकर इस बातों में आ गए, पैसे दे दिए। अब हमें क्या मालूम थी कि हमको ठग रहा है कि क्या कर रहा है, कर्जा पटाने के चक्कर में मेरे आदमी की जान चली गई। तब मैं बेरोजगार बैठी हूँ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं घर खिलाऊँ तो क्या खिलाऊँ मैं, वो तम तब इतनी मुझे समझ लो जीते जी मार दिए कि आदमी से लुट गई, अब बच्चों को ना तो पढ़ा सक रही ना लिखा सक रही, क्या कर सकती हूँ बताओ।
शुक्रिया। नगर निगम में एक भर्ती को लेके या इसमें जॉब दिलाने को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई है। अभी तक कहना है कि करीब 70-80 लोग ऐसे हैं जिनको गुमराह करके उनको नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर उनसे कुछ रुपए हट लिए गए, तो वो हमने जांच में लिया है और उसमें जांच के उपरांत यदि पाया जाता है अपराध का होना तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विश्व विकलांग दिवस पर शहर के विकलांगों ने फूलबाग चौराहे पर एकत्र होकर अपनी मांगे रखी। फूलबाग चौराहे पर व्हील चेयर पर बैठे विकलांग अपने हक की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि शासन द्वारा हमारे लिए योजनाओं के नाम पर प्रचार तो खूब किया जाता है पर असल में हमें उसका फायदा नहीं मिलता, फिर चाहे वो हमारे लिए बनाए जाने वाले आवास हों या सरकारी नौकरियों में स्थान। इसलिए आज विश्व विकलांग दिवस पर हम सड़क पर आकर अपनी मांग रख रहे हैं। हमारा नाम सतेन शर्मा है। सतेन क्या हुआ? ये हुआ है कि पिछले 2 साल से हम लोग SBFC योजना के कम से कम 50 जगह आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन SBFC योजना में हम लोगों को कहीं भी प्राथमिकता नहीं दी गई। और नगर निगम ने 4,500 मकान SBFC योजना के बनाए हैं, क्या 50 विकलांगों को नहीं दे सकते थे? वो उन्होंने नहीं दिए। इस उपलक्ष्य में आज हमने विश्व विकलांग दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत।